महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा देहरादून स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली और बैठक में सभी जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सम्मिलित हुए। मंत्री ने विभाग की संचालित सभी जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा कर जनपदों के सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री ने पूर्व में दिए गए निर्देशों के पालन के संबंध में चर्चा की और विभाग द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी योजना वात्सल्य योजना का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जानकारी प्राप्त की। मंत्री ने बताया कि हाल ही में वात्सल्य योजना के अंतर्गत सरकार के दिए जा रहे 5% आरक्षण प्राप्त करने वाले कुछ लाभार्थी आत्मनिर्भर हुए हैं। उन्होंने कहा कि डीपीओ जनपद वार वात्सल्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी बच्चों के शॉर्ट वीडियो बनाए जाने के भी निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। विभागीय योजनाएं जो हमारी लगातार जो चल रही है वो बदस्तूर चल रही है। बच्चे और महिलाएं और खासकर निराश्रित महिलाएं लगातार जो है वो उसका लाभ भी ले रही हैं और संरक्षित भी हैं। तो मैं मानती हूं कि महिला कल्याण विभाग पूर्णतः इस प्रयास में है कि महिलाओं के साथ में उनके हितों की और बच्चों के साथ में उनके हितों की सुरक्षा जो है वो पुख्ता जो है वो बनी रहे। उसके लिए सभी अधिकारियों को सचेत रहने के लिए भी और उसको सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया।